सो गाइस करते हैं शुरू टेक स्टफ का एक और नया एपिसोड सैमसंग के साथ। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE लॉन्च होने वाला है अर्ली जनवरी में, और एक बार फिर से इस स्मार्टफोन के रेंडर्स लीक हो गए हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दिस इज व्हाट द सैमसंग गैलेक्सी S20 FE इज रिपोर्टेडली गोइंग टू लुक लाइक। इसके दो वेरियंट होंगे, 128 GB वेरियंट की प्राइसिंग होगी 649 यूरोज, और इस स्मार्टफोन के 256 GB वेरियंट की प्राइसिंग 699 यूरोज होने वाली है। सैमसंग गैलेक्सी A23 भी काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है। इस लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम माने तो इस स्मार्टफोन के दो वेरिएंट्स 4G और 5G हमें देखने को मिलने वाले हैं, और इस स्मार्टफोन में हमें एक 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा देखने को मिलेगा। Q1 2022 में सैमसंग गैलेक्सी A23 4G और साथ में सैमसंग गैलेक्सी A23 5G हमें इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ में गए सैमसंग गैलेक्सी A13 4G की रियर इमेजेस भी आज लीक हो गई हैं। इस स्मार्टफोन का रियर डिजाइन अब निकल के आ गया, और ऑलमोस्ट जैसे अभी हाल फिलहाल में सैमसंग के स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं, वैसा ही आपको सैमसंग गैलेक्सी A13 4G में भी रियर डिजाइन देखने को मिलने वाला है। दिसंबर एंडिंग तक या फिर जनवरी में हमें सैमसंग गैलेक्सी A13 इंडिया में देखने को मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर फाइनली अनवेल हो गए, और एज द ट्रेडिशन फॉलोज इस अनाउंसमेंट के साथ ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप्स या फिर अपनी अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज की अनाउंसमेंट्स कर दी हैं। Xiaomi ने आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि काफी जल्दी हमें Xiaomi 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स चाइना में, ग्लोबल मार्केट में और इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं। Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Ultra, 12 Lite, 12X, 12X Pro और Xiaomi 12 सीरीज के 11-12 ऐसे स्मार्टफोन्स हमें काफी जल्दी अब देखने को मिलने वाले हैं। OnePlus ने भी आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि OnePlus 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स में हमें Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस IQ 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स में भी यही प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और वैसे IQ 9 सीरीज की बात करें तो जनवरी में ये स्मार्टफोन सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाली है, और इसमें हमें 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। मोटो ने तो कमाल ही कर दिया, मोटो कह रहा है कि यार हम सबसे पहला स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे वर्ल्ड में जिसमें हमें ये फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। इसका नाम होगा मोटो एज X30, और 9 दिसंबर को मोटो का ये फ्लैगशिप लॉन्च होने वाला है। रियलमी ने भी वैसे बोल दिया कि रियलमी GT2 प्रो में हमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओप्पो फाइंड X4 सीरीज के स्मार्टफोन्स में भी हमें यही स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। Xiaomi 11i हाइपर चार्ज काफी जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वैसे Xiaomi का एक नया स्मार्टफोन जिसमें हमें 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी या तो दिसंबर में या फिर जनवरी में इंडिया में लॉन्च हो रहा है, और इन ऑल लाइक्लीहुड दिस कुड बी द Xiaomi 11i हाइपर चार्ज। वैसे अभी के लिए इस स्मार्टफोन के कलर वेरियंट्स और मेमोरी कन्फिग्रेशन इंडिया के लिए लीक हो गई है। नोटेबली Xiaomi 11i हाइपर चार्ज इंडिया में 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च होगा, और इसके दो कलर वेरियंट्स कैमो ग्रीन और ब्लैक हमें इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। Redmi के नोट सीरीज के कुछ और स्मार्टफोन्स आज लीक हो गए हैं। इंडिया में और ग्लोबल मार्केट में हमें Redmi और Poco की ये मिली भगत काफी जल्दी देखने को मिलने वाली है। नोटेबली Redmi Note 11T Pro भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, और ये स्मार्टफोन रीब्रांड होके कुछ मार्केट्स में इंक्लूडिंग इंडिया एस Poco M4 लॉन्च होने वाला है। इसमें हमें 64 या फिर 108 मेगापिक्सल का मिलेगा मेन कैमरा। इसके अलावा गाइस Redmi Note 11S भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, और Redmi Note 11 Pro ग्लोबल वेरिएंट भी हमें काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है। चाइनीज वेरिएंट में हमें MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर देखने को मिला था, बट Redmi Note 11 Pro के ग्लोबल वेरिएंट में हमें Qualcomm का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। क्लियरली Redmi Note 11 सीरीज अभी खत्म नहीं हुई, और काफी सारे ये स्मार्टफोन्स हमें काफी जल्दी अब देखने को मिलने वाले हैं। बजाज अगले साल एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाला है, और पुणे की सड़कों पे टेस्टिंग करते हुए बजाज के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को स्पॉट कर लिया गया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये लाइव इमेज लीक हुई है, और काफी जल्दी हमें बजाज की तरफ से ये अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में देखने को मिलने वाला है। अपडेट्स टाइम गाइस, रियलमी ने रियलमी 8 के लिए एक नया अपडेट, ऑफिशियल अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। ये ओवर द एयर आपके रियलमी 8 डिवाइसेस में काफी जल्दी आपको मिल जाएगा, और इसमें आपको नवंबर का मिलेगा एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच, साथ में ग्लास फॉर रियलमी, और काफी सारे चेंजेस आपको रियलमी 8 के इस नए अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं। गेमिंग न्यूज टाइम गाइस, पोकेमॉन गो
फोन लवर्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। 5 दिसंबर को हमें एक नई स्पेशल इवेंट पोकेमॉन गो में देखने को मिलने वाली है। इस इवेंट का नाम होगा इंसेंस इवेंट और इस इवेंट में हमें स्वाइनब अट्रैक्ट होता देखने को मिलेगा इस इंसेंस की तरफ और काफी सारे ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स को इस इवेंट में आप पोकेमॉन गो में कैच कर सकते हैं। GTA ट्रिलॉजी के बग्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत ज्यादा क्लेश इस गेम का मचा हुआ है और काफी सारे लोग इस गेम के डेवलपर से रिफंड की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड रादर कर रहे हैं। और इस सब के दौरान अभी के लिए एक नया बग फिक्स रोल आउट किया गया और इस अपडेट में आपको 100+ बग्स फिक्स देखने को मिलेंगे। सो यस, अगर आपने इस गेम को परचेज कर ही लिया था और अगर आपको रिफंड वगैरह नहीं मिल रहा तो इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके काफी सारे बग्स इस गेम से फिक्स कर दिए गए हैं। सर्टिफिकेशन टाइम गाइस, वीवो से करते हैं आज की सर्टिफिकेशन शुरू। वीवो Y55 5G काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसमें हमें देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर, Android 11 और साथ में 8GB RAM। Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे ये स्मार्टफोन आज सर्टिफाई हो चुका है। Oppo काफी जल्दी अपने एक नए वायरलेस ईयरफोन्स को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाला है। ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे Oppo के ये अपकमिंग वायरलेस ईयरफोन्स आज सर्टिफाई हो चुके हैं। Xiaomi 11T Pro भी इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन के इंडियन वेरिएंट को आज मैंने ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे स्पॉट कर लिया है। इंडियन लॉन्चेस की बात करेंगे तो Moto G71 5G इंडिया में काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है। BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट की इंक्लूजन प्रोसेस को Moto G71 आज कंप्लीट कर चुका है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइक्रोमैक्स के 5G स्मार्टफोन का काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं और माइक्रोमैक्स का एक एलिजिट 5G स्मार्टफोन इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इंडिया की BIS पे आज माइक्रोमैक्स के इस इन सीरीज के 5G स्मार्टफोन को मैंने स्पॉट कर लिया है। ऑन दैट नोट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अ पीस। जय हिंद।